तो अभी इधर जा रहे हैं घूमने के लिए और इधर देखते हैं कि क्या क्या है। वैसे इधर तो कुछ है नहीं। ये रहा हाथी पीछे से, इतना बड़ा। पीछे कॉन्सर्ट चल रहा था और एक प्रैंक वीडियो भी शूट हो रहा था यूट्यूब के लिए। तो एक देख सकते हो करुणा दी को वहाँ पर फोटो खिंचाना है, सो इतना रिक्स लेकर के करुणा दी का फोटो ले रहे हैं। यहाँ पर वो बैठ गई है पोज बना करके और स्कूटी को कैसे निकालती है। इधर बहुत ज्यादा गाड़ी लग चुका है, फाइनली गाड़ी निकल चुका है। ये रहा इतना मशक्कत के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, तो आज फिर हम लोग निकल गए हैं कहीं जाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो आज हम लोग निकल गए हैं रिम्स जाने के लिए। जी हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आज हम लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं ये तो आपको आगे पता चलेगा। तो गाइज, हम लोग रिम्स आ पहुंचे थे और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि गाड़ी किधर खड़ा करे और उसको फ़ोन भी कर रहे थे उस दीदी को जिसका पापा एडमिट है। बट पहले हम लोग को जगह ही नहीं मिल रहा था। इधर बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं तो हम लोग जिधर ठेला लगा हुआ था उधर ही रुक गए गाड़ी को लेकर के। और यहाँ पर दीदी उनको फ़ोन की कि हम लोग आए हुए हैं, लेकिन वो शायद रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि शायद बिजी हो कि उनके पापा का ऑपरेशन वगैरह हो रहा था शायद। क्या बोली, आ रही है? चले आगे क्योंकि वो नहीं आई है। शायद उसके पापा का कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए हम लोग फोन किए थे तो वो नहीं उठाई, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं मोराबादी। तो गाइस, ये है अब पल्स हॉस्पिटल, उसके साइड से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर है राम प्यारी हॉस्पिटल, सारे अगल बगल ही है सारे हॉस्पिटल। तो देख सकते हो आगे है, ये है राम प्यारी हॉस्पिटल, पल्स के सामने ही है, पल्स के सामने ही है। तो अभी हम लोग मोराबादी पहुँच चुके हैं, आगे ग्राउंड है, तो आगे स्टेडियम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्या कहाँ? तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये इधर सब्जी वगैरह लगा रहता है, मार्केट है छोटा सा वेजिटेबल का। तो ये रहा ग्राउंड, तो अभी ग्राउंड जा रहे हैं, इधर में रहेंगे थोड़ा देरी, आज संडे है ना तो संडे मनाएंगे इधर। अभी हम लोग आए हुए हैं ऑक्सीजन पार्क रांची में। आज संडे था तो इसीलिए आज प्लानिंग बना फिर से हम लोग का यहाँ आने का, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये रही करुणा दी। तो गाइज, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बैठे हैं सीढ़ी में। ये है ऑक्सीजन पार्क और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो,
अभी फिलहाल तो वही नहीं है, और इधर हरा भरा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अभी हम लोग और यहाँ सीढ़ी जगह बैठ चुके हैं, और आप लोगों को मैं पीछे दिखाती हूँ। पीछे से रास्ता है ये जो बना हुआ है, ऊपर में पहले से बना हुआ नहीं था। और इधर पीछे में फुटबॉल खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो ग्राउंड में। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ खेलते रहता है, क्रिकेट फुटबॉल बहुत कुछ खेलते रहता है, हमेशा ग्राउंड यहाँ पर भरा ही रहता है। गाइस यहाँ पर आप लोग ग्राउंड देख सकते हो, यहाँ पर हमेशा भरा रहता है, यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट सारे लोग खेलते रहते हैं। अभी क्रिकेट चल रहा है। और ये रही करुणा दी, ये रहा यहाँ का मेन गेट, और इधर हरा भरा है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नाम इसलिए इस, और ये पार्क पूरा हरा भरा है इसलिए इस पार्क का नाम है ऑक्सीजन पार्क। यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। तो अभी चलते हैं हम और करुणा दी वो साइड, और आप लोगों को दिखाते हैं कि उधर क्या क्या है। तो चलिए अब चलते हैं। अभी करुणा दी का फ़ोटो ले रहे हैं, यहाँ पर वो बैठ गई है पोज बना करके, और इनका भी हम फोटो ले रहे हैं। और आप लोग इधर देख सकते हो और भी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर, और ये जो आप लोग सारा देख रहे हो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा शाम होते होते। अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम है और धूप है इसलिए लोग अभी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे लोग यहाँ पर यहाँ पर भर जाएंगे। गाइज यहाँ पर है हाथी, देख सकते हो बहुत बड़ा हाथी है यहाँ पर। यहाँ पर फव्वारा लगता था लेकिन अभी फव्वारा को नहीं लगाया है, उठता है लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पर फव्वारा भी बंद है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, उधर से रास्ता है अंदर जाने का, इधर से नहीं है, इधर जाली लगा दिया है, वरना इधर से भी पहले हम लोग जाते थे लेकिन अब जाली लगा दिया है, तो अब हम लोग को इधर से ही जाना पड़ेगा अंदर। तो अभी जा रहे हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो इसके अंदर भी वॉलीबॉल खेला जा रहा है, और इसके अंदर किधर से घुसा है ये लोग पता नहीं, गेट नज़र नहीं आ रहा है, शायद आगे से है, इधर पूरा जाली है। तो अंदर में वॉलीबॉल खेल रहा है ये लोग। देख सकते हो करुणा दी को वहाँ पर फोटो खिंचाना है, सो इतना रिक्स लेकर के वो जा रही है, और वहाँ पर बोल रही है कि फोटो खींच दो। हो गया, वहीं पर खड़ा रहिए, ज़्यादा अंदर मत जाइए नहीं तो नीचे चले जाइएगा। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है इस पार्क में, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। अभी नहीं, वो पीछे साइड में बहुत ज़्यादा आदमी लोग हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं। और इधर देख सकते हो इधर तो और ज़्यादा भीड़ है, बच्चों लोगों का झूलने का है यहाँ पर, छोटा सा पार्क तो यहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ है। और यहाँ पर देख सकते हो पानी का साउंड आ रहा है क्योंकि नीचे में पानी बह रहा है, और अच्छा लग रहा है पानी का साउंड सुन करके। मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, इसी का साउंड आ रहा है इतना ज़ोर से। गाइस ये रहा पानी, इसका पानी का साउंड आ रहा था, और ये पानी जा रहा है बह करके साइड तक। तो गाइस ये जो लकड़ी पकड़ के है वो ना हम लोग के साथ प्रैंक कर रहा था, उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो हम लोग के साथ प्रैंक कर रहा था, लेकिन हम लोगों को पता था कि ये सारा प्रैंक चल रहा है इसलिए हम लोग नहीं डरे। तो ये लोग कैमरा लेकर के है, वो लोग सारे लोगों को डरा रहा है। बना रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर कॉन्सर्ट भी चल रहा है, वो रहा सिंगर, और पब्लिक लोग पीछे में है देख सकते हो, और यहाँ पर
और यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं। और ये रही करुणा दी। अभी हम लोग निकल रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो गया है। इधर आप लोग देख सकते हो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। पीछे कॉन्सर्ट चल रहा था और एक प्रैंक वीडियो भी शूट हो रहा था यूट्यूब के लिए। तो एक अंधा बना था, वो अचानक से आकर के लाठी लेकर के मारने लगता है, एकदम प्रैंक वीडियो था। तो हम लोग तो समझ गए क्योंकि हम लोग बहुत सारा वीडियो देख चुके हैं, तो हम लोग नहीं डरे। तो वो बोला भी कि आप लोग का कुछ रिएक्शन ही नहीं था। हम लोग बोले कि हम लोग वीडियो देख चुके हैं ना ये सारा, इसीलिए। फिर दूसरे लोगों को ऐसा प्रैंक किया तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। वो वाला वीडियो हम शूट किए हैं, वो यहाँ पर डाल देंगे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। भूख भी लग रहा है अभी, तो अभी जा रहे हैं बाहर और बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, तो बाहर जा करके खाएँगे कुछ। पेट में चूहा कूद रहा है। तो आप लोग देख सकते हो अभी भी लोग आते ही जा रहे हैं और इतना सारा भीड़ हो गया है मेला जैसा, इसलिए अभी हम लोग निकलेंगे। ये रहा मेन गेट, यहाँ से निकलने का है। तो अभी चलते हैं बाहर और बाहर मिलते हैं आप लोगों के साथ। गाइस जब भी हम लोग ये ऑक्सीजन पार्क आते थे तो हम लोग उधर जाते थे घूमने के लिए और इधर जाते थे, लेकिन ये साइड कभी नहीं गए हैं। तो ये साइड भी जा कर के देखते हैं कि क्या है। वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट फिर भी चलते हैं और देखते हैं कि इधर क्या क्या है। तो अभी इधर जा रहे हैं घूमने के लिए और इधर देखते हैं कि क्या क्या है। वैसे इधर तो कुछ है नहीं क्योंकि पता है, क्योंकि खाली ही नज़र आ रहा है। और मेरे पीछे हाथी, दूसरा हाथी है। और देखिए इधर ग्राउंड है, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। और यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर तभी से वॉलीबॉल क्रिकेट सारा यहाँ पर खेल रहे हैं, एक ही ग्राउंड में इतना सारा गेम खेल रहे हैं। सो गाइज अभी हम लोग ग्राउंड के दूसरे साइड आ चुके हैं, ये साइड कभी नहीं आए थे। और इधर रोड है और देखिए बहुत सारे लोग हैं। देख सकते हो अभी भी यहाँ पर गेम चालू हुई है, क्रिकेट खेल रहा है। और ये देखिए रास्ता, इधर रास्ता सुंदर दिख रहा है, इधर रोड है, गाड़ी जा रहा है। तो अभी फाइनली चलते हैं वापस। ये रहा रोड, यहाँ से जल्दी निकलेंगे। पेट में चूहा कूद रहा है इसीलिए। और मेरा फेस में पिंपल हो गया है, यहाँ पे बहुत सारा पिंपल हो चुका है मेरा फेस पर। पता नहीं कैसे कैसे कम होगा, पानी भी ज़्यादा पीते हैं लेकिन फिर भी पिंपल हो रहा है अभी। ये रहा हाथी पीछे से, इतना बड़ा हाथी है। सेल्फी नहीं लेंगे? तो गाइज हम लोग अभी सेल्फी नहीं लिए हैं, बाहर आ गए हैं और बाहर भी भीड़ है। ये रहा, ये बूढ़ी का बाल यहाँ पर बेच रहा है ये बच्चा। और इधर भी बहुत भीड़ है, मेला जैसा हमेशा यहाँ पर भीड़ ही रहता है। तो सेल्फी लेते हैं। तो अभी देखते हैं करुणा दी स्कूटी को कैसे निकालती है। इधर बहुत ज़्यादा गाड़ी लग चुका है, तभी तो खाली था, आसानी से अंदर घुसा दिए, बट अब कैसे निकालेगी वो देखते हैं। गाइस जिसका डर था वही हुआ, स्कूटी अंदर फंस गया है, वो रहा। और सामने देख सकते हैं इतना सारा गाड़ी लग गया है, अब कैसे निकालेगी। एक है भैया, वो निकाल रहा है, हेल्प कर दे रहा है गाड़ी निकालने के लिए। फाइनली गाड़ी निकल चुका है। ये रहा इतना मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला जा रहा है हम लोग का, वो भैया हेल्प कर दिए। सो गाइस जैसा कि हम दिखाए कि गाड़ी बहुत मुश्किल से निकाले, तो एक भैया थे वो हेल्प कर दिया हम लोग का गाड़ी निकालने के लिए, तब गाड़ी हम लोग का निकला। और अभी हम लोग ग्राउंड से जा रहे हैं अंदर। ये रहा मोराबादी ग्राउंड और हम लोग पार्क से निकल करके अभी जा रहे हैं। तो देखते हैं किधर जाएंगे, जहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे हम लोग दिखाएंगे। तो गाइस जहाँ जाएंगे वहाँ भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिएगा। गाइस जो ग्राउंड में खाने पीने का लगता था वो अब ये साइड लगा है, तो
तो गाइज खाने पीने का अभी ये साइट लगता है ग्राउंड के पास सारा हट चुका है अभी।